अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मीरा सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, ये आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। तो चले जी करते हैं पार्सल को ओपन। ठीक है, तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। क्या मंगवाया पता नहीं, वैसे आया क्या है पता नहीं, मंगवाया क्या है ये तो थोड़ा पता है। तो मैं बताऊँगी कितने का मैंने मंगवाया, ये मैं रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम खोलते हैं पार्सल को। पार्सल को खोलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को काले सब्सक्राइब, साथ में बेल के आइकन बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, ये देखिए पार्सल हम खोल लेते हैं। पार्सल खोलने से पहले लाजमी चेक करें कि पार्सल पहले से खुला हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है, तो फिर जो है आप पार्सल रिसीव करें। तो ये देखें जी, ये मैंने लिया है। क्या लिया है अपनी तरह से, तो बड़े मज़े की चीज़ मंगवाई है। हम देखें क्या मिलता है, क्या निकलता है। तो ये रहा जी, ठीक है, ये रहा पार्सल, ओपन करूँ। ठीक है, तो ये रहा जी मेरा, ये जैसे वैसे देखा था वैसे का वैसा ही निकला। ये क्या है ये मैं भी आपको चेक करवाती हूँ, लगा के चेक करवाती हूँ। ठीक है, तो ये लगाते हैं किस तरह से हैं। तो ये देखें जी, ये है इसकी वड्डी सारी पॉकेट की जीप ही निकल गई है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? चले इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी जीप है। देखिए इन्होंने यहाँ से वही नहीं किया हुआ था, इसलिए ये है हमारी बड़ी जीप। तो ये है इसकी अंदर वाली जीप, ये देखें ये वाली। ठीक है, तो उससे अंदर वाली ये वाली जीप है, ये वाली क्वालिटी अच्छी लग रही है, लेकिन जीप भी अच्छी है। खाली क्या है, इन्होंने ये नहीं किया हुआ, ये देखें, ये मैं अच्छी एवं नहीं कर रही हूँ। ये मैंने पैसों का मंगवाया, कोई फ्री में नहीं मंगवाया। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो है कितने का लिया, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैंने वाकई पैसों का मंगवाया। तो ये जिप जो है इन्होंने यहाँ से, ये चीज़ जो है ना अंदर नहीं हुई इसके अंदर, तो इसलिए ये निकल गया। इसको मैं लगवा लूँगी, अब क्या करूँ, लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लगवाऊँगी। तो ये किस काम आती है, ये किस काम आती है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पर तो ये आएगा हमारा, इसके अंदर कोई भी मोबाइल, ठीक है, बड़े से बड़ा मोबाइल इसके अंदर आ सकता है। ये वैसे जो है ना, ये वेस्ट के साथ लगाते हैं, कमर के साथ लगा के आप इसको कमीज़ के अंदर, मतलब शर्ट के अंदर, अंदर वाली साइड पर रख सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, जैसे आईडी कार्ड, जैसे अपना क्रेडिट कार्ड, जैसे अपना एटीएम कार्ड, मतलब और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये जो इसका बेल्ट सा लगा हुआ है ना, ये वैसी, तो ये जो है ना, ये अंदर की तरफ, मतलब आप अपनी कमर के साथ बांध सकते हैं, बांधने खोलने टाइट करने का। ये देखिए इन्होंने ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो जिप की तरह मेरी ये जिप मैंने अभी लगानी है, दोबारा से लगाऊंगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ से अंदर से बंद कर देंगे, तो फिर ये खुलेगी नहीं जिप। तो जिप है इसके अंदर 1, 2, 3 दी गई हैं। वैसे क्वालिटी तो अच्छी ही लग रही है, ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है, लेकिन क्या है जिप नहीं सही लगी। तो ठीक है, इसको जो है ये वेस्ट के साथ बांधते हैं, हम अपनी कमर के साथ बांधते होते हैं। तो इसको जो है ये देखें, ऐसे हम निकालेंगे और ऐसे हम कमर के साथ बांध देंगे। अब मैं आपको बांध के भी दिखाती हूँ और इसमें चीज़ें भी घुसा घुसू के दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलें जी, अब थोड़ा सा पीछे हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाऊँ नीचे नीचे आ रही है। ये देखें जी, ये है इसको हम कैसे बांधते हैं। ये देखें कमीज़ के अंदर हमने नीचे इसको बांधना होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल चोरों से बचने छचने के लिए। तो ये जो है ना, ये हमने कमर के साथ बांधने के लिए, ये समझ लें अंडरग्राउंड बैग जो होता है, वो वाली चीज़ बन जाती है। इसके अंदर आप अपने इम्पोर्टेंट मोबाइल और इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो इसको हम अपनी कमर के हिसाब से जो है इसको बांध सकते हैं। ठीक है, मेरी कमर कितनी है, कमर के हिसाब से ये बांध गया। ये हमने जो है कमीज़ के अंदर इसको ऐसे रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड, ओए यहाँ पे हम अंदर अपना क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड, जड़ी चीज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम जो है अपना कोई भी इंपॉर्टेंट मोबाइल बैल डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ढीला शीला कर सकते हैं। ढीला कहाँ से करते हैं, ये देखें, यहाँ से हम इसको ढीला कर सकते हैं, ये देखें यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको ढीला कर सकते हैं, जितना भी आप ढीला करना चाहें, मतलब मोटे बंदे के लिए भी। देखें कितना ये खुला नज़र आ रहा है, कितना ये खुला सा रहा है, कितना बंदा घुस जाता है इसमें। बहुत मोटा बंदा घुस सकता है, लेकिन हम दो भी घुस सकते हैं, कोई भी हैं, दो बंदे मेरे जितने घुस सकते हैं। तो ये मोटे बंदे के लिए भी है, पतले बंदे के लिए भी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे शैसे रखने के लिए, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो फिर आप इसमें आराम से जो है ना, इसमें ऐसे लंबाई में पैसे रखें और यहाँ पे अपने कार्ड शार्ट डालें, और आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पेट के साथ सेव, अंदर की साइड पर भी आप लगा सकते हैं, बाहर की साइड पर भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये
इनर शर्ट के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है कि आपको डर नहीं होता कि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाएगी, कोई चीज़ चोरी हो जाएगी। आप किसी खुशी पे जाते हैं, किसी गमी पे जाते हैं, तो ज़्यादातर होता है कि किसी अल्लाह ना करे कभी किसी गमी पे जाएं तो वहाँ पे मोबाइल या आपके हाथ में पैसे जैसे ये वो चीज़ें होती हैं, तो उनका होता है कि पर्स कैसे फोटो गमियों पर लटका लटकू जाए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और शादियों शुदियों पर के लिए हम सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं, बाकी पर्सों वगैरह का इतना वो नहीं है, रवाज रवाज नहीं है। लेकिन पैसे शैसे आपके पास कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है तो आप इसके अंदर डाल के तो आप जो है ना इसको अपनी ड्रेस के साथ बांध सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ये शर्ट आ जाती है और पता नहीं चलता नीचे कुछ लगा हुआ कि नहीं। देखिए मेरे बेल्ट के साथ चिपक चिपक गया है, तो ये देखिए अब बैक पे सारे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। मैंने ये देखा था, मैं कब से देख रही थी, फिर मैंने कहा चले मैं मंगवा ही लेती हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं बाज़ार शाज़ार जाती हूँ और फिर मेरे पास पैसे शैसे भी होते हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं, कहीं रहने सहने के लिए जाए तब भी ये क्रेडिट कार्ड ये वो जो है ना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत बेस्ट है, उसके लिए उनके लिए मैंने ये मंगवाया है। खैर ज़िप की बात कोई नहीं, ज़िप ये मुझसे निकली। ये देखिए इसका ये जो चीज़ है ना ये जो चीज़ है ये इस डोरी के नीचे उन्होंने फिक्स नहीं की, इस डोरी के नीचे फिक्स होती तो जिप बाहर नहीं निकलनी थी, तो इस डोरी के अंदर फिक्स हुआ तो फिर जिप जो है अंदर ही रह जाती है, ठीक है। मतलब फिर वो बाहर नहीं निकलती, जैसे ये देखें ये फिक्स हुई है, ये फिक्स हुई है, यहाँ से ये निकली हुई है, तो इसके अंदर हम फिक्स करके तो इसको हम जो है टंका लगा के फिक्स कर देंगे। तीन जिपें इसके अंदर, एक वाली एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। तो अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मैं आपको बताती चलूँ, पहले मैं अपना ये वाली चीज़ डालूँ वरना गुम ही ना हो जाए, जिसको हमने बाद में सेट भी करना है, ठीक है। तो ये देखिए जी इसकी क्वालिटी, वैसे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ऐसे नॉर्मल सा कपड़ा लटकला सा कपड़ा नहीं है, अच्छी सी लेदर सी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखिए आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ, कोई वो नहीं है कि आपको दिखा रही हूँ, ये मैं अभी खोल नहीं सकती हूँ, बाद में इसको सेट करके खोलूँगी, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो आप भी मंगवा लेना, और आपके साथ इसकी प्राइस शेयर करूँ तो प्राइस जो है ये ऑनलाइन मैंने मंगवाई है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, तो ये हमें मिली है कितने का, ये देखें जी ये हमें मिला है 1400 का। इधर मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो ये हमें मिली है 1400 का। ये देखें, कोई ये वो नहीं है कि फ्री में किसी ने गिफ्ट शिफ्ट या वो पार्सल वार्सल जो वो करते हैं क्या बोलते हैं यार वो किया है, नहीं नहीं ये मैंने पैसों के मंगवाया है। 1400 का ये बैग आया है, मतलब 1200 का बैग है, 200 इसका डिलीवरी चार्ज है, 1400 रुपये में ये पड़ा है मुझे, लेकिन बहुत काम का चीज़ है, कई जगहों पे आपका ये काम आ सकता है। तो बहुत सारी जगहों पे, वैसे मैं थोड़ी थोड़ी जगहों का नाम बता भी दिए, तो बहुत सारी जगहों पे आपका ये काम आ सकता है और बहुत काम की चीज़ है, तो इसको जो है आप लगाएं, आप घूमने शुमने जा रहे हैं, इसमें आप कोई चीज़ भी डालें, अपने पैसे डालें, अपनी कोई चीज़ भी डालें और इंजॉय करें बिना फिक्र करके हमारा कोई पर्स चोरी करके ना ले जाए, हमारे पर्स से कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। ये है वो जिसको आप इनर शर्ट के नीचे, इनर फ्रॉक के नीचे जो है, इनर कमीज़ के नीचे आप इसको पहनें और अपनी चीज़ें सेव करें। तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपने नहीं भूलना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।